We are here at Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today we came here at Ramakrishna Mission Hospital, where the capping ceremony was held of 15 nurses of Ramakrishna Mission Hospital, and Shweta Nagarkoti Mehta, who is the deputy commissioner of capital, she came as a guest. एडमिनिस्ट्रेशन में आई थी एंड पहली बार मैंने डॉक्टर्स नर्सेस के साथ इंटरैक्ट किया था, पेशेंट्स के साथ हम लोग बातें कर रहे थे। तो अगर आप लोग नहीं होते, नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम वी हैव एकेडमिक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। द हॉस्पिटल हैज इंस्टीट्यूटेड एंडाउमेंट इन द नेम ऑफ स्वामी प्रथमानंदा मेमोरियल फंड। द स्कूल अवार्ड्स केस प्राइजेस टू द फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ द कोर्स फॉर द परफॉर्मेंस फ्रॉम द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एंडाउमेंट। वी कुड अप्रिशिएट इफ आवर गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती श्वेता नगरकोटी मेहता मैडम कुड काइंडली ग्रेस द स्टेज एंड डू द ऑनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स। I request our chief guest, Reverend Swami Sateshanandaji Maharaj, to distribute the prizes. For first year GNM students of 2022 batch, first position goes to Ms. Rakhi Nalo. Who is responsible? She is responsible for all this. We are here on account of the wisdom, the sacrifice, the love of one. Just one lady, that is Sri Sharada Devi. आज मैं आर के मिशन की कैपिंग सेरेमनी में आई हूँ, जहाँ पे हमारी फर्स्ट ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स को उनके नर्सिंग करियर, नर्सिंग की पढ़ाई की जो शुरुआत हुई है, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आज मैंने वो कैपिंग सेरेमनी को विटनेस किया। बहुत ही पेशेंस के साथ लड़कियों ने जो है प्रेजेंटेशन दी, और मेरी तरफ से उन सभी लड़कियों को ऑल द वेरी बेस्ट आगे अपने करियर के लिए, कि उन्होंने इतना करेजियस, इतना ब्रेव प्रोफेशन को चूज किया है, और यहाँ से वो जो भी सीखेंगे आई एम श्योर कि वो ईटानगर, अरुणाचल, देश के किस जिस भी कोने में काम करेंगी आगे चल के, वो हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेंगी। जितने भी नीडी पेशेंट्स हैं उन लोगों को सपोर्ट करेंगी, उन लोगों के साथ सिंपथाइज करेंगी, और फुल अपनी पोटेंशियल जितनी है उसके साथ अपना काम करेंगी, सेवा करेंगी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। कई बार हमारे मेडिकल स्टाफ के साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो पेशेंट्स और पेशेंट्स की फैमिलीज आई होती हैं हॉस्पिटल में, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, और क्योंकि हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज इतने ज़्यादा ओवरबर्डनड होते हैं कि कभी कभी शायद वो उस तरह के रिस्पॉन्सेज उन्हें नहीं दे पाते हैं। तो मैं उन फैमिलीज से, पेशेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो भी अंडरस्टैंड करें कि डॉक्टर्स और नर्सेज कितने ज़्यादा ओवरबर्डन हैं, एंड दे आर डूइंग देयर बेस्ट कोऑपरेट करने में जितना भी वो आप लोग को सपोर्ट कर सकते हैं। बट वी ऑल्सो नीड टू रियलाइज कि जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, तो किसी भी तरीके से अगर आप उन्हें हैरेस करेंगे तो वो उनकी परफॉर्मेंस को भी
प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उनकी परफॉर्मेंस को भी किसी तरीके से डिक्लाइन कर सकता है। तो जो भी फैमिलीज आती हैं दे नीड टू बी अ लिटिल पेशेंट और एक फेथ होना चाहिए अपने डॉक्टर पे और नर्स में, और ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि जो वो काम कर रहे हैं उसका उनको दे आर रिसीविंग दैट लव आल्सो, जिसकी वजह से उन्होंने इस प्रोफेशन को चुना। 15 स्टूडेंट ने कैपिंग सेरेमनी में भाग लिया है। आपका ये जो प्रोग्राम जो है, हमारा जब स्कूल शुरुआत हुआ था 1985, तब से ये जारी है, चली आ रही है, लेकिन कोविड की वजह से 4 साल बीच में रुक गया था। तो इस बार हमारा जो सेक्रेटरी महाराज आए हैं उन्होंने कहा कि फिर से इसको चालू करना है ये ओकेजन को, फिर हम लोग ने शुरू किया। और ये जो कोर्स है वो 3 इयर्स की कोर्स है। इनको कहाँ कहाँ में पोस्ट किया जाएगा? ना, अब पहले तो आपका अरुणाचल में ही इन लोग को जॉब मिलता था, लेकिन अभी जो है आपका सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड थोड़ा कम हो रहा है, तो अभी उन लोग फिर पढ़ के ख़त्म होने के बाद में गुवाहाटी बाहर में वो अप्लाई करते हैं और जॉब मिल जाता है उन लोग को। आपके आर के मिशन में इंडक्ट नहीं किया जाता? नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। फैसिलिटीज क्या 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 इनके स्पेशलिस्ट किस किस में है ये जो आप लोगों को ट्रेनिंग होती है? ना, हमारा ये आपका जनरल नर्सिंग मिडवाइफ है, 3 इयर्स की कोर्स है। हाँ जी। तो कौन आए महाराज, कहाँ से आए आपके जो आज? हमारा ये जो महाराज है, जो आज के चीफ गेस्ट है, वो बेलूर मठ से आए हैं, असिस्टेंट बेलूर मठ। बारे में बता दीजिए वो आपके रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन के जो हमारा ट्रस्टी बोर्ड है उसके वो असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, वन ऑफ असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी है स्वामी सत्यशानंद, तो कलकत्ता से स्पेशल ये प्रोग्राम के लिए आए हैं। कितने सेंटर्स हैं आप लोग के ऑल ओवर वर्ल्ड? ऑल ओवर वर्ल्ड अराउंड 400 सेंटर्स। मेडिकल सेंटर्स कितने होंगे? मेडिकल अराउंड 40, जिसमें हॉस्पिटल डिस्पेंसरी मिला के। इनको ये नर्स जो कोर्स कर रही थी, इनको कुछ स्पॉन्सरशिप आपके मिशन की तरफ से कुछ ऐसा कुछ किया गया? स्पॉन्सरशिप नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारे जो भी फीस वगैरह होती है बहुत मिनिमम होती है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में वहाँ पे हम लोग फ्री में भी करवाते हैं, अगर पुअर पेशेंट है, पुअर अगर स्टूडेंट है उसको हम लोग पूरा 100% फ्री भी करवाते हैं। क्या कहेंगे डीसी मैडम की स्पीच से? डीसी मैडम तो अभी नए नए आए हैं यहाँ पे अरुणाचल में, उनको अच्छा ही लगा, रामकृष्ण मिशन सुनने से उनको अच्छा ही लगा, क्योंकि विवेकानंद ने यह शुरुआत किया था रामकृष्ण मिशन का, इसलिए बचपन से आप लोग भी सुने होंगे स्टूडेंट लाइफ में भी विवेकानंद के प्रभाव है, वो भी खुद यंग है तो यूथ के लिए विवेकानंद एक आइडियल है, पहले से विवेकानंद को जानते हैं। अभी कोविड के लिए बंद था इसलिए अब 4 साल हुआ ना, 4 साल के बाद पहला बैच। जी, पहला बैच।